मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मतलब इतना नीचे तक टायर अगर है उसके बाद भी आप देखो जहां तक पूरी मिट्टी है वो सबसे बेकार। ये देख रहे हो सीट पे मेरे पिताश्री बैठे थे तो इसके आगे नहीं आया। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय टू चैनल टेक बाइकर। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे, बिल्कुल सेफ होंगे। तो आज की वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, उसका रीजन क्या है। आज हम जा रहे हैं अपनी अपाचे आरटीआर पे लॉन्ग राइड करने, और भाई ये तगड़ी लॉन्ग राइड होने वाली है। अप्रॉक्स मान के चलो 400 से ऊपर ही किलोमीटर हो गया, 400 के आसपास मान के चलो, वो भी पिलियन के साथ। तो भाई फाइनली आज मैं लखनऊ से अपने होम टाउन जा रहा हूँ बलिया, और मैं जा रहा हूँ अपने फादर के साथ। तो भाई उनको मैं वैसे मना कर रहा था कि आप मत चलो, लेकिन अकेले जाने की परमिशन नहीं है, तो उन्होंने कहा नहीं चलेंगे तो साथ में, वरना तुम भी बाइक से नहीं जाओगे। तो मैंने कहा भाई चलिए फिर बाइक से ही चलते हैं, तो मस्त आपको एक्सपीरियंस पता चलेगा। और भाई कह सकते हो सेकंड टाइम है, एक बार मैं रॉयल इनफील्ड से गया था एक साल पहले, और अब मैं जा रहा हूँ, तो मतलब आज तक मैं दो बार ही इतनी लंबी राइड पे गया हूँ, वो भी नॉन स्टॉप, मतलब कहीं रुकेंगे नहीं। एक आध जगह मतलब 5-10 मिनट का ब्रेक लेना होगा तो अलग, बाकी चल के बताएंगे कि एक्सपीरियंस कैसा रहा अपाचे आरटीआर 3 पे। आपको लॉन्ग राइड के लिए बाइक लेनी चाहिए कि नहीं, और वीडियो को देखना, ये थोड़ा सा व्लॉग टाइप का भी वीडियो हो जाएगा और ऑनरशिप रिव्यू टाइप का भी हो जाएगा। तो अब जल्दी चलते हैं, बाइक पे बैठते हैं, और टाइम हो रहा है अप्रॉक्स 10 बज रहा है, 10-10:15 के आसपास हो रहा है, तो 10:30 तक निकल जाएंगे, और फिर देखते हैं हम लोग कितनी जल्दी या कितनी टाइम में अपने होम टाउन पहुंचते हैं। सो भाई ये खड़ी अपनी बाइक, और जल्दी से चलते हैं, ट्रिप को जीरो करके आपको दिखा देता हूँ, और ट्रिप को पहले जीरो कर देता हूँ मैं। मेन ओडो देख लो 2093, और ट्रिप कहाँ आ गई, ट्रिप डिटेल्स, ट्रिप ए को मैं जीरो कर देता हूँ। सो ये हो गई रीसेट, ये देखो 2093। अरे भाई एवरेज माइलेज 16 का दिखा रही है, रेंज 145। अभी आगे चल के रिफिल करा लेंगे, और जल्दी सब हेलमेट वगैरह लगाता हूँ, और थोड़ी देर में फिर चलते हैं हम लोग। टाइम हो रहा है 10:47, 11 बजे से निकलते हैं। बाइक पे बैठ चुके हैं, और मेन चीज़ आप लोग एक बार चेक कर लो 2093, और अब लगाते हैं फर्स्ट गियर और चलना शुरू करते हैं। जय श्री राम, भगवान का नाम लेना बहुत ज़रूरी है। बस अपनी जर्नी अच्छी रहे, सेफ रहे, फादर भी पीछे बैठे हुए हैं, अगर वो नहीं जाते तो थोड़ा सा ज़्यादा मज़ा आती, बट चलो कोई नहीं। चलो तो भाई अभी मान के चलो बस घर से 1 किलोमीटर दूर निकले हैं, और एक चीज़ तो है यार, बैग में थोड़ा सा सामान है तो दिक्कत तो हो रही है। बैग ना होता तो मे बी और ज़्यादा ईजी हो जाता, बट चलो कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे बड़ा टास्क है भाई एक्सप्रेसवे तक पहुंचना, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जाएंगे, एक्सप्रेसवे तक पहुंच जाएंगे ना, वहाँ पे देखो एक्सप्रेसवे पे एक बार चढ़ने के बाद ब्रेक वगैरह ज़्यादा यूज़ करने नहीं है, फिर नॉर्मल एक स्पीड सेट कर लो, क्रूज़ कंट्रोल ऑन कर लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे बड़ा टास्क है वहीं तक पहुँचना, और वहीं तक पहुँचने अभी देखो 11:17 हो रहा है, और देखते हैं कितनी देर में हम एक्सप्रेसवे पे चढ़ पाते हैं, मेन टास्क वही है, और फिर एक्सप्रेसवे से उतर के अपने घर तक जाना, ये दो बड़े टास्क हैं। एक्सप्रेसवे उतना हार्ड नहीं होने वाला, बाइक में अभी तक नंबर प्लेट नहीं है, अब यार ये नहीं पता कि नंबर प्लेट के बिना वहाँ पे जाएंगे तो कोई दिक्कत होगी। हेलो, सो भाई फाइनली हम लोग आ चुके हैं पेट्रोल पंप पे, और पेट्रोल भराते हैं, देखते हैं कितना पेट्रोल आता है, इसमें फुल कराना है, मेन चीज़ ये है। भीड़ बहुत ज़्यादा लगी हुई है, आगे से चल के मैं करा के लाता हूँ, मेन चीज़ देखना है ना कि हाँ ठीक है ठीक, फुल करा के मेन चीज़ चेक करना है ना कि कितना किलोमीटर रेंज दिखाता है। आ जाओ भैया, डाल दे रहे हैं कार निकलने के बाद, आगे तो कारें लगी हुई हैं, फुल कर दो भैया। जितना आ जाए, चलो फुल कराते हैं। आ जाओ भैया, अब फुल करा रहे हैं, एकदम ऊपर तक डाल दो, जीरो दे दीजिए एक बार। हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं, चीज माइलेज देखो 37 का दिखा रहा है भाई, वाह ये मस्त चीज है। और एक चीज़ बस देखो मेन चीज़ है भाई, नंबर प्लेट नहीं है तो देखते हैं ऊपर चढ़ती कि नहीं, और बाइक में वही याद देखो फ्यूल टैंक की वाली जो कैपेसिटी है ना वो यहीं पे मार खा जाती है, मतलब 11 लीटर 12 लीटर यार, एटलीस्ट 14 तो होनी चाहिए मुझे लगता है बाइक में, 14-15 तो दो यार। अब टूरिंग बाइक बनाने की कोशिश करते हो फिर कैपेसिटी भी नहीं है फ्यूल टैंक, तो भैया ऐसे एक्सप्रेसवे पे कोई चढ़ेगा
तो फिर तो काम हो जाएगा उसका। चलो लेकिन अभी यहाँ पे पेट्रोल पंप खुल चुके हैं, ये अच्छी चीज़ है। तो अब जल्दी से चलते हैं, टोल टैक्स तक पहुँचते हैं। और रोड देखो कितनी प्यारी है। और यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा मज़ा देने वाला है वो देने वाला है हमारा क्रूज़ कंट्रोल। अभी थोड़ा सा हमारे हाथ वो सही है, तो आगे चल के क्रूज़ कंट्रोल को ऑन करेंगे और बाकी आप लोग को भी मज़ा आएगा। और अब देखो हम लोग 112 ओडोमीटर दिखा रहा है, ये कौन सी रेंज दिखा रहा भाई? अच्छा 93, तो हाँ वही 14-15 किलोमीटर जाता है, नहीं 14-15 नहीं, अप्रॉक्स 19-20 किलोमीटर हम लोग आ चुके हैं। और जब मैं घर से निकला था तो टाइम हो रहा था 11:15, अब हो रहा है 11:47, जबकि रास्ते में वो पेट्रोल भराने के लिए रुके थे, बाकी कहीं रुके नहीं है। चीज़ दिखाऊँ, क्रूज कंट्रोल देखो लगा रखा है, 65 पे स्पीड सेट कर दी है और माइलेज देखो 38 का दिखा रहा है भाई, ये ज़बरदस्त चीज़ है भाई। 38 शो कर रहा है तो मैं मान के चलो अगर 38 शो कर रहा है तो 35 तो दे रही होगी, और 35 दे रही होगी भाई तो ठीक है, बढ़िया है। और अभी देखते हैं इसी स्पीड में चलते रहेंगे कुछ देर तक, और बढ़ता है कि नहीं, कहाँ तक लेके जाते हैं। सो भाई अभी जब से घर से निकले हैं तो मान के चलो 100 किलोमीटर कंप्लीट हो चुका है, और इस एक्सप्रेसवे पे चढ़े हुए 82 किलोमीटर कंप्लीट हो चुका है। तो बट मैंने एक चीज़ देखी थी, जब मैंने फ्यूल रिफिल कराया था तो आप लोग को याद है 306 किलोमीटर रेंज दिखा रहा था, और इस हाईवे पे मतलब पेट्रोल पंप से अब तक मान के चलो मैं 83 किलोमीटर चलाया हूँ और रेंज अभी दिखा रहा 279। तो रेंज एक तरीके से मान के चलो 27 ही किलोमीटर कम हुई है, मैं कवर कर चुका हूँ 83 किलोमीटर, और माइलेज दिखा रहा है 35 का, और एक भी मतलब फ्यूल की बार कम नहीं हुई है, जितनी डंडियाँ थी उतनी फुल हैं। तो भाई ये क्या सिस्टम है यार, मतलब इसमें दिखा क्या रहा, हो क्या रहा, चल क्या रहा है। और पीछे से भाई प्लेटिना आ रही है, मेरी बाइक मैंने 75 पे लगा के सेट कर रखी है क्योंकि इतने ज़्यादा वाइब्रेशन आ रहे हैं, पिताजी ने बोल दिया है कि 75 के ऊपर मत लेके जाओ, दिक्कत हो रही है। और ये पीछे से प्लेटिना आ रही मस्त 70 की स्पीड में, 72 की स्पीड में, देखो ओवरटेक ना कर ले मुझे तो। सो भाई देखो उसी CT100 की बात कर रहा था मैं, CT100 प्लेटिना एक ही है, मतलब वो निकल गई मेरे से आगे पे। 140 किलोमीटर कंप्लीट हो चुके हैं और अब हम लोग छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं चाय पानी का, क्योंकि ज़्यादा यहाँ पे कुछ खाने पीने के लिए तो है नहीं भाई। पिलियन के साथ बिग नो, और बाइक को कहीं खड़ी करते हैं उधर साइड में, कहीं खड़ी कर लेते हैं इसको। हेलो, सो इट्स टाइम फॉर क्विक अपडेट। तो अभी तक हम लोग 227 किलोमीटर इस एक्सप्रेस वे पे, और टोटल हम लोग कवर कर चुके हैं 248 के आसपास। तो अभी तक देखो एक चीज़ नोटिस की, अकेले तो ठीक है बट पिलियन के साथ वही दिक्कत वाली बात चीत। और एक चीज़ अभी मैंने नोटिस की, अभी मैंने एक बार मतलब बस पिता श्री को अपने चेक कराने के लिए बाइक को 137 लेकर गया था, तो एक चीज़ नोटिस की मैंने, 120 के आसपास जब जा रही थी ना तो 100 की स्पीड 90 की स्पीड से कम वाइब्रेशन फील हो रहे थे 120 के आसपास, मुझे मतलब ऐसा फील हुआ। और अगर कंटिन्यू भगाता तो अच्छे से समझ पाता, वो झटके से बस 137 तक गया, 138 तक, फिर तुरंत बस डाउन हो गई स्पीड। बस ऐसे चेक कराया था, मैंने कहा भाई इनको भी एक बार फील करा दो कि आप मतलब आप भी कहोगे बुढ़ापे, मतलब बुढ़ापा तो ही है, मतलब आप भी कह सकोगे कि हाँ हम भी 138 तक की स्पीड वाली बाइक पे बैठे हैं। तो उससे जस्ट फन, तो मैंने कहा थोड़ा सा करके देखते हैं भाई, होता है ना यार, कहेंगे अपने दोस्तों में, वो भी तो अच्छा लगेगा उन्हें भी। और अब एक ब्रेक लिया था हम लोगों ने और एक ब्रेक का और टाइम आ चुका है, टाइम हो चुका है 3:50। तो यार भाई चाय तो पीना बनता है या कोल्ड ड्रिंक कुछ भी जो बढ़िया मिल जाए। तो जल्दी से चलते हैं, सामने वो देखो कोको कोला का बोर्ड लगा हुआ है, वहीं पर चल के रुकते हैं और मैं लेता हूँ तब तक आपसे अलविदा। सो गाइस 5:06 हो रहे हैं और इस हाईवे पे हम लोग 312 किलोमीटर कंप्लीट कर चुके हैं और टोटल 323-324 किलोमीटर। अच्छा रुको, टोटल वाला चेक कर लेता हूँ मैं आपके सामने ही, ट्रिप डिटेल्स दिख रही हैं मुझे, ये मैं गया ए पे, 332 किलोमीटर में बाइक चला चुका हूँ और एक्सपीरियंस वगैरह रास्ते में शेयर करते रहा हूँ आपके साथ। और भाई कोहरा वोहरा देख रहे हो कितना ख़तरनाक पड़ चुका है। और एक चीज़ देखो, अभी तक मेरी बाइक को अंधेरा फील नहीं हो रहा है, तो अभी मेन लाइट नहीं जली है, लेकिन एक फंक्शन इसमें काफ़ी अच्छा है, अगर जैसे मुझे नीड है कि मुझे लाइट जलानी है, भाई मेरा काम नहीं चल पा रहा, मेरी आँखें कमज़ोर हैं थोड़ा, ये देखो ये जल जाएगी। तो ये TVS ने बड़ा अच्छा काम किया भाई,
कुछ चीज़ें बेकार करी हैं, लेकिन जो फीचर्स के मामले में तो कोई तोड़ नहीं है भाई, फीचर्स तो नेक्स्ट लेवल है। अगर आप जलाना चाहो इसको जला दो, नहीं जलाना है तो इसको बंद कर दो, आप अभी चला लो, कुछ देर में ये ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगी। तो ये बड़ा अच्छा मुझे फीचर लगा और इसके बारे में बहुत ही कम लोगों ने बताया है। हेलो, सो गाइस फाइनली ये एक्सप्रेसवे अब ख़त्म होने वाला है 338, बस अब यहाँ से हमें लेफ्ट हो जाना है। और टोटल अब तक मैं बाइक चला चुका हूँ, एक बार जल्दी से आपको चेक करा देता हूँ। ट्रिप डिटेल्स, ट्रिप ए 358 किलोमीटर्स मैं चला चुका हूँ और मुझे लगता है और मुझे चलानी होगी मानो कोई 400 के आसपास मान के चलो। तो भाई बड़ा मिक्स फीलिंग वाला वो चीज़ है, मतलब मिक्स फीलिंग है अगर आप मुझे पूछोगे लॉन्ग राइड वाला। देखो पिलियन के साथ तो भाई डेफिनेटली नो है, बिग नो है, पिलियन के साथ बहुत ही अनकंफर्टेबल आप लोगों को फील हो जाएगा। बट हाँ अगर सोलो की बात करूँ तो वो मतलब थोड़ा सा आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप वाइब्रेशन से कितना एडजस्ट कर पाते हो, टू बी ऑनेस्ट। जैसे मुझे वाइब्रेशन से बहुत ज़्यादा उतनी प्रॉब्लम तो नहीं हुई, बाकी जैसे वाइब्रेशन हल्का प्रॉब्लम दे भी रहा था तो क्रूज़ कंट्रोल मज़े दे रहा था, क्रूज़ कंट्रोल लगा के चला रहे थे। तो वही कह रहा हूँ बड़ा मिक्स फीलिंग है, बट आप कर सकते हो वैसे लॉन्ग राइड। हाँ थोड़ा सा जैसे जिनको वाइब्रेशन से प्रॉब्लम होती है ना तो वो तो भाई दूर रहे, वो आपको थोड़ा सा खलेगा, मतलब कि वाइब्रेशन को काफ़ी ज़्यादा इस टाइप का लगेगा। और जो उससे एडजस्ट हो सकते हैं वाइब्रेशन से उन्हें उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी और क्रूज़ कंट्रोल के मज़े ले सकते हो। और हेडलाइट तो भाई ज़बरदस्त है, मतलब इससे अच्छी हेडलाइट तो हो ही नहीं सकती, मतलब मैंने किसी बाइक में इतनी अच्छी हेडलाइट नहीं देखी। हाँ अब RR 310 से कंपेयर करेंगे मे बी उसकी अच्छी निकल जाए, वरना अभी तक तो भाई इससे अच्छी कोई हेडलाइट नहीं। बाकी बार अंधेरे में चलता हूँ ना फिर आपको हेडलाइट भी चेक कराता हूँ। जी देखो मतलब इसकी हेडलाइट देखो यार, इतनी तगड़ी है, अंधेरा है और अभी ये लो बीम पे है, अब इसको हाई बीम पे करूँगा देखना, मतलब इतनी तगड़ी है ना। सामने से कार की लाइट आ रही है तो आई नो उतना अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, लेकिन भाई बहुत ही तगड़ी हेडलाइट है इसकी। अभी कार निकल जाए फिर आप लोग देखना, मज़ा आ जाएगा आप लोग को। वो देखो अभी सोचो मतलब फादर बैठे हैं तो पीछे से वो दबी हुई है तब उतना दूर जा रही है, मतलब लाइट का कोई तोड़ ही नहीं है इस बाइक के, नेक्स्ट लेवल लाइट है। तो भाई मैं ये सोच रहा हूँ मैं थंबनेल और टाइटल में क्या लिखूँ, डोंट बाय अपाचे RTR, और एक शब्द लिख दूँ सेव योर मनी। जैसे डोंट बाय भाई प्लेन के लिए चाहिए, लॉन्ग राइड के लिए चाहिए तो मतलब, और इसको लेके आप अपनी एक्स्ट्रा लाइट पे जो पैसे खर्च कर सकते हो वो बचा सकते हो, क्योंकि ये लेने के बाद आपको एक्स्ट्रा लाइट की नीड नहीं पड़ेगी। तो भाई ये कैसा रहा, क्या कहते हो आप लोग, ऐसा ही कुछ डाला जाए? हाँ नहीं जा पाएगी इधर से ना। हेलो हेलो, सो फाइनली गैस होम टाउन, अपने मतलब होम टाउन कह रहा हूँ घर पहुँच चुके हैं और बाइक 408 किलोमीटर चला ली है मैंने, मज़ा आया वैसे। टाइम हो रहा है 7:33, हम लोग वहाँ से निकले थे 11:15 पे, सब कुछ सही था और रुके हो के भी, ऐसा नहीं कि नॉन स्टॉप ही एकदम चले आए, मतलब हाँ लंबा ब्रेक नहीं लिए लेकिन लिए। और बाइक की हेडलाइट यार चार चार लगा देती है। बाकी कैसा एक्सपीरियंस था क्या था सब कुछ शेयर कर चुका हूँ और बाकी घर चल के बताता हूँ। सो गाइस अभी ये जो क्लिप देख रहे हो ना, टोटल 800 किलोमीटर में बाइक चला चुका हूँ, 800 नहीं मान के चलो 820 किलोमीटर बाइक चला चुका हूँ पिलियन के साथ। भाई देखो पहले मैंने सोचा 400 पे ही रिव्यू कर देता हूँ, बट मैंने सोचा भाई थोड़ा सा 800 किलोमीटर का अच्छे से ले लेते हैं, मतलब जाना और वापस आना, तब मैं अच्छे से आइडिया लगा पाऊँगा कि लॉन्ग राइड के लिए कैसी है। तो भाई देखो मेरा जो कंक्लूजन है पिलियन के साथ बिग नो है भाई, अगर आप पिलियन के साथ लॉन्ग राइड पे जाने वाले हो तो भाई भूल जाओ, बिल्कुल भी नहीं जा सकते, पिलियन की बैंड बज जाएगी। अब मेरे पिताजी कैसे बैठ के चले गए भाई वही जाने, बट हाँ बार बार वो बोल देते 70 से ऊपर मत जाओ, 75 से ऊपर मत जाओ, वाइब्रेशन पीछे से बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो एक ये रीज़न था, और सेकेंड था कि भाई सीट उतनी ज़्यादा कम्फर्टेबल नहीं है पीछे वाली। और बात करें राइडर की, तो देखो अगर आप लोग चाहते हो कि आपकी बाइक में वाइब्रेशन ना हो तो भाई आप लोग लॉन्ग राइड के लिए इसे बिल्कुल ही मत लेना, वाइब्रेशन काफ़ी ज़्यादा है, आपको प्रॉब्लम हो सकती है। बट अगर आप वाइब्रेशन झेल सकते हो तो भाई मेरी बात मानो, इतना मज़ा आएगा ना इस बाइक में आपको, जब वो क्रूज़ कंट्रोल का स्पेशली आप यूज़ करोगे आपको मतलब अलग ही नेक्स्ट लेवल का मज़ा आ रहा है भाई। मैं तो देखो वाइब्रेशन में टॉलरेट कर लेता हूँ तो मुझे वाइब्रेशन से प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसके अलावा हेडलाइट इतनी प्यारी नेकेड बाइक में हेडलाइट मिलती है ना कि मतलब अच्छी अच्छी कारों को वो टक्कर दे दे रही है। तो हेडलाइट के मामले में कहो बिग यस है, क्रूज़ कंट्रोल बहुत ही अच्छा फीचर है, टायर भाई रोड वाइब ज़बरदस्त है। तो बस वाइब्रेशन एक प्रॉब्लम है,
तो पीछे के लिए लॉन्ग राइड नो, और अगर आप वाइब्रेशन झेल सकते हो तो बिल्कुल आप इसे लॉन्ग राइड पे लेके जा सकते हो, आपको मज़ा आएगा। सीट देखो ठीक ठाक है, बहुत ही ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ही ज़्यादा कुशनिंग नहीं है, और उस पर भी एक्स्ट्रा फोम वगैरह सब कर ही लेते हैं आप लोग। तो मेरा तो यही था कि सिंगल आप जा सकते हो, कोई दिक्कत आपको उतनी नहीं होगी। हाँ थोड़ा सा हैंडल वेटेड है भाई, वो पता नहीं क्यों थोड़ा सा भारीपन लगता है, मतलब उतना कंफर्टेबल फील नहीं होता है, थोड़ा सा मुझे लगता है हल्का सा और नीचे होता ना तो स्पोर्टी फील लेता हूँ, ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है, ऐसा मेरा मानना है, आपका ओपिनियन अलग हो सकता है। तो भाई मैंने अपना ओपिनियन बता दिया 820 किलोमीटर लॉन्ग राइड का, और अभी बाइक की एक बार कंडीशन भी आप लोग को मैं दिखा देता हूँ। तो भाई ये है कुछ बाइक की कंडीशन, मिट्टी वगैरह देख लो एकदम जम चुकी है, जबकि ऐसा कुछ सीन नहीं हुआ था। आगे का तो चलो ठीक है, ये बॉडी पे ये देख रहे हो एक चीज है भाई, इतना ज्यादा छीटा पड़ता है ना इसमें, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मतलब इतना नीचे तक टायर अगर है उसके बाद भी आप देखो यहां तक पूरी मिट्टी हो, वो सबसे बेकार। ये देख रहे हो सीट पे मेरे पिताश्री बैठे थे तो इसके आगे नहीं आया, लेकिन उनकी पूरी पीठ पे छींटे पड़ चुके थे, देख रहो बहुत ही ज़्यादा मतलब कीचड़ फेंकती है पीछे से, हाल देखो इसका बहुत ही बुरा हाल है भाई, मतलब समझ में नहीं आता कि ये टायर अगर किस लिए भाई, इतना चौड़ा और इतना नीचे तक, इससे अच्छा इसको मत ही रखो तो थोड़ा सा लुक आता, यहाँ से टेल टैडी लगी होती तुम। सो भाई कंडीशन भी आप लोगों ने देख ली, 820 किलोमीटर चलाने के बाद कैसा रहा, और माइलेज की बात करें तो अप्रॉक्स हम हाईवे का मैं जो माइलेज बताऊं 34-33 के आसपास दे रही थी, और मैं आराम से क्रूज कर रहा था एक नॉर्मल स्पीड पे 70-75 कभी कभार 80, बस इससे ज़्यादा मैंने नहीं चलाई। तो माइलेज तो देखो मुझे बिल्कुल अच्छा लगा, फिलियन के साथ अगर 33 दे रही है, 32 भी दे रही है ना 75 और 80 की स्पीड में, तो काफ़ी अच्छा माइलेज है। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, मज़ा आया होगा, थोड़ी सी वीडियो लंबी हो चुकी होगी आई नो, और भाई थंबनेल में भी उतना अच्छा ना आ पाया क्योंकि फादर से बोल नहीं सकता फोटो खींचने के लिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और वीडियो को दबा के शेयर करना।